दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका ऑस्ट्रोफ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों मैंने धन प्राप्ति के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, बस धन से रिलेटेड ही आते हैं कि धन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खास एक दिव्य उपाय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये 100% आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में मनी ब्लॉक हो चुका है, कहीं से धन के स्रोत नहीं है, या व्यापार नहीं चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक खास बात बता दूं कि उपाय जो होते हैं उन मैंने इस बात का प्रूफ भी आपको दिया है, बहुत से वीडियो मैंने प्रूफ दिया है आपको कि जो कमेंट्स आए हैं उनको दो दो घंटे में उनको रिजल्ट मिला है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इन लोग क्या करते हैं, इन लोग पूर्ण विश्वास से करते हैं कि हाँ ये वर्क करेगा। और काफी लोग सिर्फ आजमाने के लिए करते हैं कि आजमा के देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उपाय करेंगे। आप एक ही उपाय को करिए ना, अगर एक उपाय को आपने पूरी श्रद्धा विश्वास से कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि उपाय करने का मतलब यह होता है दोस्तों कि हम भगवान को अपनी परेशानी बता रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। भगवान भी कुछ ऐसे संयोग बनाते हैं, ऐसे योग बनाते हैं, ऐसे रास्ते बनाते हैं कि आपकी तरफ मनी का फ्लो बढ़ जाए। अब आपने सोचा कि आज हमने उपाय कर लिया है और कल हमको इसका रिजल्ट मिल जाए, तो दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए कि आज एक बीज हम डाल देते हैं और दूसरे दिन ये पेड़ बनके हमें फल देने लगे, तो दोस्तों प्रकृति का तो ये नियम ही नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और सारा ब्रह्मांड एक नियम से बंधा हुआ है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। उपाय कर रहे हैं, पूरे विश्वास से करिए। ये मत सोचिए कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। आप दोस्तों यदि कोई भी अगर आपके सामने अगर कोई आपको कोई काम देता है तो आपके ऊपर उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी है। अब वो बोलेगा भाई काम तो हो जाएगा, बार बार पूछेगा आपसे, भाई काम तो हो जाएगा ना, तो आप एक बार पूछेगा, दो बार पूछेगा, तीन बार, जब बार बार वो यदि आपसे पूछने लगे भाई मैंने आपको पैसे दिए मेरा काम तो हो जाएगा ना, तो आप खुद से सोचिए इस जगह पे अपने आपको खड़े रख के आप क्या रिएक्शन देंगे। वहां पे आपको गुस्सा आएगा और आप बोल देंगे ले भाई रख ले, मैं तेरा काम नहीं कर सकता। तो जस्ट हम तो इंसान है, आप उस परम शक्ति पे शक कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डाउट ना करें, कोई भी उपाय कर रहे हैं तो पूरे विश्वास से करें, आपको निश्चित इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं इसमें आपको पीपल के 7 पत्तों की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैं हर कई वीडियो में बता चुका हूं, यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, वृक्ष से अगर कुछ ले रहे हैं, तो पहले उनकी आज्ञा लें, अनुमति ले लें, क्योंकि अनुमति लेने से दोस्तों इस उपाय का जो असर होता है वो दोगुना बढ़ जाता है। क्योंकि हम जिस भी वृक्ष से अगर उनका कुछ सामग्री ले रहे हैं तो हमें उनसे आज्ञा लेनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, हल्दी, चावल, कुमकुम, तिलक और दीपक अगरबत्ती लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जाएं। वहां पर जाकर के पीपल वृक्ष में आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, हाथ जोड़ें, तीन परिक्रमा कर लें। उसके बाद हाथ जोड़ के पीपल वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपके पास में आपके कुछ पत्तों को लेने आया हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में इन पत्तों को मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर उनके 7 पत्तों को डंडी सहित तोड़ दें और उनको ले आकर घर में शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से या गुलाब जल से उनको अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद में इनको साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद में 7ों पत्तों में आपको मौली से, यानी कि जो आप पहले दोस्तों आपको पहले अपनी दैनिक पूजा करनी है, जैसे आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप सुबह में जब जाएंगे और पत्ते ले आएंगे तो अपनी जो दैनिक पूजा करते हैं वो सबसे पहले करें। अपने कुल देवता को याद कर लें, कुल देवी को याद कर लें, पितरों को याद कर लें, महादेव को याद करें, गणेश जी को याद करें, उसके बाद में इस प्रयोग को करने बैठ जाएं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 7ों पत्तों पे जो लाल रंग का जो सिंदूर होता है, मौली होती है, वो रोली होती है, वो आपको चढ़ा इसमें, उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। लास्ट से सेकेंड वाली उंगली यानी कि अनामिका उंगली से इससे आपको 7ों पत्तों पे स्वास्तिक बना देना है। इतना आप कर लेंगे। और दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है
कि आप इस प्रयोग को जब कर रहे होंगे तो आपको अपने मन में ये इंटेंशन रखना है, ये विचार रखना है कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। जब तक इस प्रयोग को आप करते रहेंगे तो आपको मन ही मन ये बोलते रहना है कि भगवान मेरे पैसों से संबंधित परेशानी है ये दूर हो जाए। आपको प्रार्थना करती रहनी है, करते रहेंगे आपको बिल्कुल। जब तक ये प्रयोग पूरा नहीं हो जाता, 5-10 मिनट का प्रयोग है, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं हो जाता है तब तक आपको कंटिन्यू प्रार्थना करती रहनी है। कुछ भी नहीं विचार मन में लाना है, नेगेटिविटी नहीं लाना है, सकारात्मक सोच रखना है और बस ये बोलना है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा बोलते जाएंगे और उस प्रयोग को करते जाएंगे। अब उसके बाद में स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको एक टुकड़ा, बड़ा भी चलेगा छोटा भी, जैसा आपको मिल जाए, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें और मन में ये विचार करते हुए कि मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये दूर हो रही है, और भगवान को धन्यवाद कहते हुए 3 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज इस फिटकरी को टुकड़े को आप उतार लें। उतारने के बाद में इस टुकड़े को 7 पत्ते आप लाइन से जमा लें जिनमें आपने स्वास्तिक बनाया था। अब उसके ऊपर आपको इस टुकड़े को आपको रख देना है। टुकड़े को आप रख देंगे, उसके बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है एक काले कपड़े की। दोस्तों याद रहे कि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो हमें स्वच्छ सादे कपड़े की, यानी कि बिना यूज किए हुए कपड़े ही लेना पड़ता है। तो आप अगर हो सके तो इसकी एक थैली बना लें काले कपड़े की, और नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल काला कपड़ा भी आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में थैली है तो थैली में इनको डाल दें फिटकरी सहित, और यदि कपड़ा है तो कपड़े के ऊपर रख दें, ऊपर से गांठ लगा दें। अब आपके घर में यदि मिट्टी है, घर में यदि कहीं भी मिट्टी है, तो यही विचार करते हुए कि मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ये कहते हुए और उसको थोड़ा सा इतना गड्ढा करके और उसमें गड़ा दें। जितनी भी नेगेटिविटी होगी, दरिद्रता होगी, दोस्तों बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी आपके आपके पास में से। दोस्तों 21 दिन में इसका रिजल्ट मिलने लगता है, लेकिन अगर आपके कुछ कर्माज ऐसे हैं या आपकी ग्रह दशा अनुकूल नहीं है और 21 दिन में भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको 21 दिन के बाद में, 21 दिन पूरे होने के बाद में 3-4 दिन छोड़ करके फिर से इसी प्रयोग को आपको दोहरा देना है। क्योंकि दोस्तों उपाय जो है बहुत ही असरकारक है, बस इसमें थोड़ा सा ग्रहों की दशा अगर आपने एक बार में किया है रिजल्ट नहीं मिला है तो इसका मतलब यह है कि आपके पुराने कर्माज ऐसे थे जिसके कारण वो चीजें कट गई और ग्रहों की दशा अनुकूल हो गई। अब दोबारा से जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, और जैसे आपको इसका रिजल्ट मिलने लगे तो आप 3-4 महीने में इस प्रयोग को दोहराते रहें। आपकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जे से प्रॉब्लम है, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। उपाय बहुत ही ताकतवर है दोस्तों, बस एक बार फिर से बोलूंगा कि आजमाने के लिए कभी भी इस प्रयोग को ना करें। अगर आप इस प्रयोग को सच में करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, तभी ये प्रयोग को, दोस्तों सिर्फ अपने प्रयोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप किसी का भी यूट्यूब में चैनल में वीडियो देखते हैं और उपाय देखते हैं तो उनको विश्वास के साथ में करिए। जितने भी उपाय जो लोग देते हैं और भी विद्वान आपको उपाय देते हैं तो उनको पूर्ण विश्वास से करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आजमाने के लिए यदि आप कोई उपाय करेंगे तो किसी का भी उपाय आप देख लें, मैं जहां से लाता हूं वो जहां से लाते हैं सब एक ही शास्त्र से उपाय लेकर के आते हैं, कोई अलग से उपाय नहीं आते हैं, तो इसलिए आप करें तो पूर्ण विश्वास से करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।